कितना भी पुराना आपको कमर दर्द हो, L1 से L5 की समस्या हो, या सर्वाइकल रीजन में किसी प्रकार का कोई तकलीफ हो गया हो, तो आपको मैं आज दिखाने जा रहा हूँ मरकट आसन के पहले स्टेप से शुरू करेंगे। दोनों पैरों को सटा लीजिए, हाँ, सांस भरिए और पैर को दाहिनी तरफ गिरने दीजिए और गर्दन को बाईं तरफ। ये है मरकट आसन का पहला स्टेप, सभी लोग सुनेंगे और करते रहिएगा। सांस भरना है, पैर को दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे सांसों को भरते हुए छोड़ते हुए बीच में ले आइए, फिर भरते हुए दूसरी तरफ। मरकट आसन का यह पहला स्टेप 5-5 बार आपको करना है सभी लोगों को। कमर दर्द अभी के वर्तमान समय में घर घर में हर व्यक्ति को हो रहा है। पहला स्टेप करिए बहन जी, अभी दोनों पैरों को सटा लीजिए आपस में, हाँ, पैर गिरने दीजिए दाहिनी तरफ, बहुत अच्छा, एड़ी एड़ी पर, अंगूठा अंगूठे पर और घुटना घुटने पर, गर्दन बाईं तरफ, पैर दाहिनी तरफ करेंगे। दोनों कंधा को जमीन में सटा के रखना है, उठाना नहीं है। फिर सांसों को छोड़ते हुए बीच में ले आइए पैर को, और ये क्रिया आप दोहराते रहिए, 5 बार दाएं और 5 बार बाएं, कम नहीं करना है, कम से कम 5 बार तो रोज करना है। मरकट आसन दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन है। दोनों हाथों को बहन जी खोल दीजिए, पूरा कंधे के बराबर खोलिए इसे, हाँ, गर्दन दाईं तरफ और पैर बाईं तरफ करिए। सांस फुल भरना है, पूरा सांस अधूरा नहीं भर के रखना है, एकदम बैलून की तरह डायफ्राम हो आपका, जितना सांस आप भर सके उतना ही भरना है। और जब 5-5 बार हो जाए तो मैं अब दूसरा स्टेप आपको दिखाने जा रहा हूँ। पैरों को खोल लीजिए, देखिए दोनों पैरों में दूरी बनाते हैं और इस प्रकार से, बहुत अच्छा अभ्यास, हाँ, इसमें भी यही आकृति को ध्यान में रखिए और 5 बार इसको भी बाएं से दाएं करिए। दोनों पैरों को और फैलाइए बहन जी, हाँ, और थोड़ा खींचिए, ठीक है, हाँ, और पैर फैला बैठा चलो और दूरी बनाओ, हाँ, ठीक, गर्दन को इधर गिराओ। इसको भी 5-5 बार करिए, मरकट आसन का ये दूसरा स्टेप। एकदम से मुस्कुराते हुए, कमर दर्द एक बार यदि जिस व्यक्ति को हो जाए वो जीवन भर तबाह रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस डॉक्टर के यहाँ कभी उस डॉक्टर के यहाँ, कभी ये जांच कभी वो जांच, कभी एक्सरे कभी MRI कभी CT स्कैन, ना जाने क्या क्या आजकल जांच का उपकरण आया हुआ है, और लाखों करोड़ों रुपया लोग फंसाते हैं और कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है इसका। इसलिए मरकट आसन का अभ्यास, शरीर को सीधा रखना है, इस शरीर को और थोड़ा इधर ले आइए, इधर और इधर ले आइए और इधर, हाँ, 5-5 बार गिन के कर लीजिए। जब 5-5 बार जब हो जाए तो इसका मैं तीसरा स्टेप दिखाने जा रहा हूँ। पैरों को पसार दीजिए, अब हाथ खोले हुए हैं, अब दाहिना पैर उठाइए और बाएं पैर बाएं हाथ में दे दीजिए, पकड़िए, पकड़ के और थोड़ा सा उसको तानना है, खींचना है, बहुत सुंदर एकदम। देखिए यहाँ सभी पुराने साधक हैं और अपने अभ्यास में जमे हुए हैं, मजे हुए हैं, और हाथ को और खोल दीजिए ऊपर वाले सीधा, बहुत सुंदर। सांस को भर के करना है,
हाँ हाँ रोकना है, हाथ से पैर पकड़िए, इसको खींचना है बहन जी, सीधा करना है। एक बार दिखाइए सर जी, बिल्कुल अपना ये पैर वाला उधर ले जाइए, एक बार देख लीजिएगा। हाँ देखिए, हाँ पहले पकड़ लीजिए, आप फिर टाइट कर दीजिए इसको, पैर को सीधा कर देना है, बहुत सुंदर। हाँ यही अभ्यास, उसको सीधा करना है पैर को, देखिए सीधा हो रहा है, बहुत बढ़िया। गर्दन उधर गिराइए, ये है मरकट आसन का तीसरा स्टेप, और पैर को थोड़ा ऊपर चढ़ाइए, ये वाला है तो खींचे हैं। हाँ ये गर्दन दर्द कमर दर्द का, देखिए बहन जी बहुत अच्छा कर रही हैं, पैर को सीधा करना है बहन जी उसको, इसको हाथ में पकड़ो बाबू, हाँ पकड़ के सीधा करो, इसको टाइट करिए, इसको भी पांच पांच बार करिए, पूरा खींचिए घुटना को, टाइट कर दीजिए। मरकट आसन का तीसरा स्टेप, इस पैर को बहन जी यहाँ ले आइए, उस पैर को सीधे उठाइए, उठाइए इसको पकड़ लीजिए और टाइट करिए, इसको खींचिए ऊपर और इसको खींचिए, इधर खींचिए, हाँ गर्दन उधर गिराइए, ये तरीका है पूरा, और इसको टाइट करना है जो पैर खींची हैं, बहुत सुंदर। 5 सेकंड होल्ड करिए और फिर इसको दूसरे तरफ से करिए, यही क्रिया को करिए, खींचिए बहन जी इसको खींचिए, टाइट करिए, बहुत अच्छा अभ्यास। मरकट आसन का ये तीनों स्टेप आपने देखा, पहला दूसरा और तीसरा, यह अभ्यास आपको 5 से 10 बार, यदि कमर दर्द ज़्यादा हो तो इसे आप, अभी तो एक राउंड हुआ 5-5 बार का, इसे 5-5 राउंड 10-10 राउंड कराते हैं केवल, यदि कमर दर्द हो तो, तब जा कर के कमर दर्द ठीक होगा, एक बार एक राउंड करने से नहीं ठीक होगा। इसलिए अभी तो एक राउंड में 5-5 बार किया दाया बाया, और उसी को 5-5 राउंड करेंगे, 5 बार करेंगे, तब जा कर के आपको कमर दर्द आपके शरीर से आपके जीवन से मिट जाएंगे, धुल जाएंगे। तो आप सभी को ब्रिज मोहन योग चैनल में स्वागत है।